आप किसको वोट करने जा रहे हैं? पर्सनल है ये तो, नहीं बताएंगे। नहीं नहीं मैम, जो गवर्नमेंट राज कर सकती है तो हम नहीं अपनी। बिल्कुल आइए, किसे कर? भारतीय जनता पार्टी को वोट दे ना, कि भाई हिमाचल का यही रिवाज है कि बताना नहीं है, जो जीत जाएगा उसी को वोट डाल। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। कैपिटल टीवी की टीम इन दिनों हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। इस वक्त मैं चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में हूं। चलिए जानते हैं यहां के लोगों की राय क्या है, किसे वोट करने जा रहे हैं 12 तारीख को। जरा बस की सवारी करते हैं और देखते हैं कि यहाँ के लोगों का मूड क्या है, किसे 12 तारीख को वोट देने जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो यहाँ से आसपास का कुछ एरिया है वहाँ तक ट्रैवल कर रहे हैं। आंटी, आप किसको वोट करने जा रही हैं 12 तारीख को? किसको वोट करेंगी? बीजेपी, आम आदमी पार्टी, किसे वोट करेंगी? अभी कोई पता नहीं, नहीं बताना चाहती हैं किसे वोट करेंगी। आंटी, आप किसको वोट करने जा रही हैं 12 तारीख को? साइलेंट वोटर्स हैं यहाँ पे, मतलब कोई बताना नहीं चाहता। अंकल, कैमरे पे कोई बोलना क्यों नहीं चाह रहा है कि किसे वोट करेंगे? मैं तो अपनी वोट डालूंगा बबलू को, और मैं चाहता हूँ बदलाव। ठीक है, 5 साल में बलबीर जी एक बार भी आते हमारे गांव में, तो हम ये बोलते हैं कि बलबीर जी आए हैं। ठीक है, किसी बच्चे को नौकरी नहीं, कोई कुछ नहीं है। इतने बच्चे गए हैं आर्मी में भर्ती होने के, जितने बैठे हैं इनके लेडी बैठी है ना, इनसे पूछ लो कितने आदमी गए हैं इनके, कितने कितने बच्चे गए हैं भर्ती होने लिए। और 300 आदमी उन्होंने 300 आदमी लिया है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में 300 बच्चा था। और जसमा परागपुर में 28 ड्राइवर भर्ती हुए हैं HRTC में, और ऊना में सिर्फ 2 ही ड्राइवर हुए हैं। क्या हमारे को ड्राइवरी नहीं आती है, या हमारे को नौकरी नहीं है? जब पूछो उनको किन किन के बच्चे गए, बताओ जी आपके कितने कितने बच्चे गए सारे भर्ती होने के लिए। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, बहुत ज़्यादा मुद्दा है। इन्होंने कोई भी नौकरी किसी को नहीं दी है, और बोल रहे हैं हम ये करेंगे वो, क्योंकि राशन खोड़ा चाहिए, हमको बदलाव चाहिए। मैं 33 साल नौकरी करके आऊँ करतारहाल में, अब उधर देखो पंजाब में क्या क्या नहीं, सब कुछ होता है। अब इन लोगों ने नहीं, इधर आते हैं 5 साल के बाद, आज 5 साल के बाद देख रहा हूँ उन लोगों को, और पहले इन लोगों को नहीं देखा है। और अरविंद केजरीवाल पे भरोसा है आप? केजरीवाल को कोई भरोसा नहीं है, हमारे को कांग्रेस पार्टी पे भरोसा, आदमी को भरोसा है जो काम करेगा। अच्छा, आपको यहाँ के लोकल कैंडिडेट पे? बिल्कुल, बबलू जी। बबलू जी पूरा, क्यों हमारे कौन नहीं है? वो ये आ रहे हैं ग्रेड से, आ रहे हैं एक दिन आते हैं दूसरे दिन बोल रहे हैं कि हमारे को टिकट भी गवर्नमेंट पैसे कैसे दे रही है इनको। अगर अपना कोई घर का आदमी या खाएगा तो खाए ना, दूसरा क्यों खाए? आपकी उम्र क्या है? 22 साल। इस बार पहली बार वोट डालने जाएंगी, किसे वोट करेंगी? फिलहाल तो अभी सोचा नहीं है। हाँ। वैसे जैसे इन्होंने बताया कि बबलू जी हमारे उधर से लोकल हैं, उन्होंने काफ़ी काम करवाए हैं वैसे तो वैसे तो वैसे बेरोजगारी तो बहुत है, वो उस पर तो किसी भी सरकार ने काम नहीं किया, चाहे वो BJP हो चाहे कोई। जो पंजाब में बैठे ना 33 साल, वो बोलते जैसे हम बोल रहे हैं। अगर पंजाब की गाड़ी होती तो एक मिनट में सवाल जवाब होते हैं, इन्होंने नहीं बोलना है। आप किसको वोट करने जा रही हैं? पर्सनल है ये तो, नहीं बताएंगे? नहीं नहीं मैम, मतलब क्यों कैमरे पे? नहीं, जो हमारा हक है राज तो राज ही है, जो गवर्नमेंट राज कर सकती है तो हम नहीं अपनी। बिल्कुल, ये बिल्कुल आपका राइट है, आप नहीं बताना चाहती, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसको वोट करने जा रहे हैं? जो अच्छा करेंगे उनको वोट देंगे। अभी की गवर्नमेंट में काम हो रहा है? हाँ काम जी, कमाना तो खुद है, वही खाना है। क्या देते हैं? नहीं देते कुछ, नहीं देते कुछ, नहीं पूछते, कुछ नहीं देते जी। बेरोजगारी है बहुत ज्यादा जी। आम आदमी पार्टी रोजगार के दावे कर रही है, आप उसको वोट करेंगे? कोई नहीं करता, सब 1500 रुपया पंजाब में दे दिया, 1500 रुपया अभी इधर बोल रहे हैं कि 1500 रुपया देंगे, दिया। अगर कोई बीमार पड़ता है देते हैं, अभी तो सब कुछ दे रहे हैं, जब वो हो जाएगा इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद कोई कुछ नहीं देगा। अंकल, आपसे जानना चाहेंगे कि आप किसे वोट करने जा रहे हैं 12 तारीख को? मैंने आपको पहले बताया था, अभी जा करके बताइए किसे? भारतीय जनता पार्टी को वोट देनी है जा करके। क्यों, मोदी जी को क्यों वोट कर रहे? मोदी को जो कभी हेल्प हमारी हुई है जाकर तो हम जरूर करेंगे। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ, यहीं के रहने। सरकारी कर्मचारी हैं? नहीं जी, बिल्कुल प्राइवेट है, जाकर प्राइवेट है। लेकिन सरकारी कर्मचारी लोग तो काफी ज्यादा नाराज है मोदी जी से। बेशक होंगे, लेकिन हम नाराज नहीं है उनसे। आपके क्षेत्र में काम हुआ है? बिल्कुल हुआ है, बीजापुर क्षेत्र है हमारा, जाकर वहाँ हुआ है, काम हुआ है तो। लेकिन एक बार यहाँ हमेशा देखा गया है कि एक बार BJP एक बार कांग्रेस, आपको लगता है यहाँ सरकार? मेरे को तो बुढ़ा हो गया मैं इस चीज़ को देखते हुए, तो ये तो होता ही आ रहा है। तो इतने सालों से आप देखते आ रहे हैं, तो इस बार इतिहास रचेगा, क्योंकि अभी BJP की सरकार है। आप कह रहे हैं एक बार फिर से वो आ जाए तो ठीक है,
उसको वोट करने जा रहे। नहीं ऐसे है ना कि भाई हिमाचल का यही रिवाज है कि बताना नहीं है, जो जीत जाएगा उसी को वोट डालना। रिवाज तो ये भी है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, अभी बीजेपी की सरकार है, मतलब आप कहेंगे कि कांग्रेस की सरकार आएगी? नहीं ऐसा तो नहीं बोल सकते, हो भी सकता भाई ऐसे। मोदी जी ने काम किया है कुछ मतलब बीजेपी की सरकार में? हाँ ऐसे तो सब कुछ अच्छा किया भाई, हम भी आर्मी लटेर है ना, हमें पता कि बहुत अच्छा हुआ, मगर ये कि मेरे बस में होता तो मैं तो कई कुछ करती, मगर मेरे बस में कुछ नहीं है। अब डीपी में मत खाना कुछ भी। अब ये बताइए आप यहीं के रहने वाले? हाँ यहीं के रहने वाले। आपके क्षेत्र में काम हुआ है? हमारे में तो अभी हम शहर में रहते हैं भाई, सब कुछ ठीक ही है, कुछ भी नहीं है जो करने वाला है, रोटी तो बना के पका के खानी पड़ेगी और कमाना तो पड़ेगा। जो सुविधा थी गैस सिलेंडर की, बिजली की, पानी की, इस तरह की कोई ऐसी कोई दिक्कत है या कोरोना काल में कोई परेशानी? नहीं 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 कोई परेशानी नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं, सब कुछ ठीक है, बहुत ही बढ़िया हो रहा सब कुछ, मगर ये है ना कि एक के बस में तो होता नहीं है ना, ये तो सारी जनता जैसे बोलेगी वैसे ही होगा। आप किसको वोट करने जा रही हैं? मैं नहीं बताऊँ, सीक्रेट रख रही है। नहीं ऐसे है ना कि वैसे तो हमने जब से पैदा हुए ना हम जनता पार्टी को देख रहे थे, मगर अब कुछ बोल नहीं सकते, अब बच्चे बड़े हो गए ना। अब तो अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पे आने की कोशिश? हाँ 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 वो भी है भाई, और बिजली फ्री दे रहे हैं, अब जनता पार्टी का क्या पता क्या भरोसा, मतलब पता नहीं पलड़ा जो अब बराबर है, कभी लगता है कि इस तरफ उड़ जाएगा, कभी लगता है उस तरफ उड़ जाएगा, कोई पक्का नहीं है, मगर ये है कि जो जीत जाएगा हम उसी के साथ हैं। तो मैं हिमाचल प्रदेश के चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में थी, जहां हमने कोशिश की बहुत लोगों से बातचीत करने की कि किसे 12 तारीख को वोट करने जा रहे हैं, पर यहां के जो भी वोटर्स हैं अधिकतर महिलाओं की बात करें तो महिलाएँ यहाँ पर कुछ भी बताने से बहुत ज़्यादा कतरा रही हैं। साइलेंट वोटर्स आप इन्हें कह सकते हैं, उन्होंने कैमरे के सामने कुछ नहीं बोला है, कोई बीजेपी का समर्थन कर रहा है, कोई आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहा है, तो कोई कांग्रेस का समर्थन कर रहा है। हालांकि 8 तारीख को यह पता चल जाएगा कि किसकी सरकार हिमाचल प्रदेश में बनती है, पर फिलहाल यहां पे लोग कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। चंद्रपुरनी से कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़ ना कोई रेस, कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।